सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जिफ्ट टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या होती है। देखिए, इसका नाम से पता चल रहा है जिफ्ट। जिफ्ट मतलब क्या हो गया, गिफ्ट। एक तरह से अपन याद रख सकते हैं जिफ्ट को, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब हो गया, इसकी फुल फॉर्म देखें तो गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। मतलब इसके नाम में ही क्या है, इसका आंसर छिपा हुआ है कि मतलब गेमेट, गेमेट बोले तो जो एग होगा, क्या जो एग होगा, उस एग को अपन को ट्रांसफर करना है कहां, फेलोपियन, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर अपन को एग को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। देखिए यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए। अब देखिए जिफ्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर होता क्या है, तो गिफ्ट के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी फीमेल है, पहला क्वेश्चन तो यह आ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जाता है। मान लीजिए कोई भी फीमेल है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो अपना खुद का एग है, वो एक डेवलप नहीं कर पा रही है। अब वो खुद अपना डेवलप एक नहीं कर पा रही है, तो सीधी सी बात है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक दूसरी फीमेल को ढूंढा जाता है जिसका जो एक भी बना सकती है, उसका एक भी मैच्योर है, सब कुछ एकदम क्या है, एकदम फिट एंड फाइन है। तो उसका जो एक होगा वो एक क्या किया जाता है, उस फीमेल को दे दिया जाता है जो एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। फिर उस एक को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिफ्ट टेक्नोलॉजी। गिफ्ट से याद हो गया कि एक फीमेल होगी, वो दूसरी फीमेल को गिफ्ट करेगी, क्या करेगी, खुद का एग है जो गेमेट है, वो गेमेट क्या करेगी, अपना गिफ्ट करेगी। तो देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में आखिरकार क्या होता है। देखिए जो मान लीजिए कोई भी एक फीमेल है, वो फीमेल अपना एग है वो नहीं बना पा रही है, मतलब वो अपना एग का जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगे, जो दूसरी फीमेल होगी, मान लीजिए कोई दूसरी फीमेल ऐसी है जिसके अंदर एग है, उस एग का प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो एग उसके अंदर बन रहा है, तो ये अपना एग होगा वो इस फीमेल को क्या कर देगी, गिफ्ट कर देगी। अब ये जो एग होगा, इस एग को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इस फीमेल के का जो एग था, कौन से, इस फीमेल का ये एग, किसमें, जो फर्स्ट फीमेल थी, इसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, जिफ्ट टेक्नोलॉजी, मतलब गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। मतलब जो गेमेट होगा या एग होगा, उस एग को फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही क्या है, आपकी जिफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इसकी छोरी देखें, तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक फीमेल होगी, वो फीमेल क्या करेगी, गिफ्ट करेगी, खुद का जो एग होगा वो दूसरी फीमेल को क्या करेगी, गिफ्ट किया जाता है इसके अंदर। अब मान लीजिए कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी फीमेल है, वो फीमेल अपना खुद का एग है, उस एग का प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो दूसरी फीमेल होगी, उस फीमेल के द्वारा उससे क्या ले लिया जाएगा, उसका एग ले लिया जाएगा, और जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, उसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर उस एग को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिफ्ट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।